वही बता दें कि मौसम विभाग ने 18 जून से पूर्वी भारत में मॉनसून के विस्तार के साथ झारखंड में भी मॉनसून आने की संभावना जताई है। संथाल के इलाके से 20 जून और 21 जून से पूरे झारखंड में मॉनसून की अनुकूल स्थिति बन रही है और बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं 19 जून तक राज्य में हीट वेव और गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत है और उसमें भी मानसून का विस्तार हम लोग को देखने को मिलेगा, तो 18 तारीख के बाद से जैसी स्थितियां अनुकूल होंगी और मानसून का विस्तार होगा तो पूर्वी भारत जिसमें कि झारखंड भी आता है आपको स्थितियां मानसून के विस्तार की देखने को मिलेंगी और 20-21 के आसपास में झारखंड के में भी मानसून की जो एंट्री है वो संथाल के इलाके से कुछ इलाके में हो सकती है। और इस वक्त रांची से संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है, साथ ही 20 जून से झारखंड में मॉनसून की एंट्री होगी, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है आम लोगों को इस भीषण गर्मी से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से झारखंड का तापमान लगातार बढ़ रहा है, मौसम विभाग ने जो जारी किया है रिपोर्ट उसमें बताया गया है कि कल शुक्रवार को सबसे अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रांची का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ गर्मी कल का था और अभी वर्तमान में 39 डिग्री तापमान रांची का बताया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर और डाल्टेनगंज का 40 डिग्री तापमान बताया जा रहा है। कई तरीके से लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, मौसम विभाग का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से झारखंड में भी अब तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 19-20 जून तक इसी तरह का तापमान में लगातार बढ़ोतरी होते रहेगा। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हीट वेव चलने की भी संभावना जता जा रही है। बिल्कुल राजेश, कैमरे के माध्यम से तस्वीरें भी दिखाइए क्योंकि जो सड़कें हैं वो सूनी नजर आ रही है और अगर कुछ लोग वहां दिखते हैं तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी लगातार जो तापमान बढ़ोतरी हो रही है, सुबह 9 बजे से ही सड़कें लगभग वीरान टाइप का नजर आ रहा है और सड़कों पर गिने चुने लोग नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को हिदायत भी दिया जा रहा है, डॉक्टरों के द्वारा सलाह भी दिया जा रहा है कि जो लगातार इस गर्मी बढ़ रहा है, शहर का 41 डिग्री तापमान हो गया, क्या कहेंगे? गर्मी तो है सर। और साल की अपेक्षा इस बार राजधानी का कैसा है गर्मी? इस बार ज्यादा है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, गर्मी है, बरसा हुई है तो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, मौसम पूर्वानुमान के अनुसार संथाल परगना के रास्ते 20 जून से मॉनसून प्रवेश करेगा और उम्मीद जताया जा रहा है कि 21 जून से मौसम में थोड़ी बदलाव होगी और लगातार जो बढ़ते गर्मी का प्रकोप है उससे लोगों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल राजेश, और साथ ही अगर बात करें तो इस बार की गर्मी ने पिछले कई साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है और आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। तस्वीरें दिखाइए और इस वक्त 9 बजे हैं लेकिन सड़कें सूनी हैं, धूप की तपिश कैसी है तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए दर्शकों को। जी पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, आम जनजीवन है, वो इस मौसम से पूरी तरह प्रभावित है। सुबह से ही लगभग सड़कें सन्नाटा हो जाती है और जो लोग निकलते हैं वो छतरी और गमछा के माध्यम से अपने पूरे शरीर को ढककर किसी काम के लिए निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो आम लोग सड़कों पर निकले उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए लगातार। बिल्कुल, जिस तरीके से जो लोग आ जा रहे हैं वो अपने जरूरत के काम को लेकर ही निकल रहे हैं और इसको लेकर के जो तापमान में बढ़ोतरी हुई है वो लगातार आम जनजीवन को भी प्रभावित किया है और कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे किस तरह का गर्मी है पिछले 2 दिनों से। बहुत ज्यादा है, इधर तो 39 डिग्री तक चला जा रहा है, रात में भी वही हाल है, 36 रह रहा है, सोना मुश्किल हो गया है। अभी भी देख रहे पूरे भींगे हुए, खाली पैदल चलने में याद, गर्मी अपना चरम सीमा पर।
तो कहीं ना कहीं सारे लोग इस गर्मी से पूरी तरह से त्रस्त हैं, और जो सुबह का समय होता है वो लोग शहर में आते हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से यह जो आम जनजीवन है वो भी पूरी तरह प्रभावित हो चुका है, और लोग सुबह से ही आना कम कर देते हैं। और जिस तरीके से विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि बिना जरूरत के काम को दोपहर 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक न निकले, ये भी हिदायत दी जा रही है कि शहर जो है वो पूरी हीट वेव से गुजर रहा है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल राजेश, साथी अगर मॉनसून की अगर बात करें तो अब 20 जून के बाद झारखंड में मॉनसून की एंट्री होगी, यानी कि 20 जून के बाद लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन तत्काल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आप लगातार आम जनता से, आम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए राजेश। जी, 15 जून प्रत्येक वर्ष ये के समय सीमा होता था जब मॉनसून झारखंड में प्रवेश कर जाती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार मॉनसून 5 से 6 दिनों तक विलंब से पहुंच रही है और संथाल परगना के रास्ते वो झारखंड में प्रवेश करेगा, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह 5 दिनों का विलंब मॉनसून के चलते जो गर्मी का प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है, और जिस तरीके से मॉनसून प्रवेश करेगा उसके बाद मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि राज्य के कई जिलों में हल्के फुल्के बारिश भी होंगे और आसमान में बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलेगी, लेकिन फिलहाल अभी 20 जून तक किसी भी तरह की कोई राहत मिलने की संभावना नहीं जताई जा रही है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी होगी, तापमान 41 डिग्री 40 डिग्री के लगभग सभी जिला में रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है, और तापमान की बढ़ोतरी। बिल्कुल राजेश, और देखिए इस गर्मी के बीच झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां आम लोगों को पानी की समस्या भी हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए। राजधानी रांची के कई इलाका पानी से पिछले 15 दिनों से जूझ रहा है। रांची नगर निगम की टीम के द्वारा सभी शहरों में जो पानी मुहैया कराई जाती है वो अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कांके की बात करें, हरमू, विद्यानगर और चुटिया क्षेत्र में भी लगभग पानी का स्तर काफ़ी नीचे लेवल तक हो गया है, जिसके वजह से जो शहर में आम जनजीवन है वो पानी की वजह से काफ़ी प्रभावित है। बढ़ते गर्मी के प्रकोप को देखते हुए निगम की टीम लगातार पानी मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद जो शहर की आबादी है वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है। काफ़ी लोग इस गर्मी से त्रस्त हैं, आम जनजीवन पूरी तरह से इस बढ़ते गर्मी को लेकर प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल राजेश, यानी कि गर्मी, वही दूसरी तरफ पानी की किल्लत से इस वक्त झारखंड वासी जूझ रहे हैं। झारखंड वासी पानी की समस्या से तो जूझ ही रहे हैं, साथ ही जो इधर पिछले एक हफ्ता से बिजली की आंख मिचौली हो रही है वो भी एक खास समस्या बन रहा है। कहीं ना कहीं तीन तरफा मार इस शहरवासियों को झेलना पड़ रहा है। बढ़ते तापमान में जो लोड शेडिंग है बिजली का, वो भी काफ़ी एक समस्या बनी हुई है। प्रत्येक घंटे बिजली कट रही है, पानी का जल स्तर नीचे गिरते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिजली की जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से चरमरा गई है, और उससे भी आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है।